So today it is physics for NEET, and here you see that a coil, a circular coil, expands radially in a region of magnetic field and no electromotive force is produced in the coil. This is because first is the magnetic field is constant. The magnetic field is in the same plane, in the same plane as the circular coil, and it may or may not vary. The magnetic field has a perpendicular component whose magnitude is decreasing suitably. तो देखिए ये एक ईजी क्वेश्चन ही है, लेकिन हमने इसको क्यों लिया है, क्योंकि ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रहने पर आपको अलग अलग क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर क्या हो रहा है कि किस तरह से एक फॉर्मूला के जरिए आपको मतलब कि क्वेश्चंस बनाया जाता है, और आपको फॉर्मूला जब भी आपको मिलता है तो उसको किस तरह से हमें स्टडी करना चाहिए। जैसे कि ज़्यादातर आपको पता है फाई, तो हम इसको बी ए बी डॉट ए हम ऐसे ही मान लेते हैं कि फाई इट इज़ बी डॉट ए, और फाई ये हो गया आपका बी ए कॉस थीटा। तो हम इस तरह से याद कर लेते हैं, अब बी ए डॉट प्रोडक्ट है बी ए कॉस थीटा, इस तरह से हम लोग याद कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर और दूसरी बात है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो माइनस डी फाई बाई डी टी, मतलब जब तक फ्लक्स जो है वह चेंज होता रहेगा तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर ये देखिए कि हम लोग तो एम तो ऐसे ही या कर लेते हैं कि एक यूनिट एरिया है, एक इवन एरिया से कितना मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस जा रहा है, तो बी डॉट ए उसी को हमने फ्लक्स कर दिया, और ये डॉट प्रोडक्ट है तो बी ए कॉस थीटा। लेकिन हम इस चीज़ को ध्यान में रखते नहीं हैं कि ये फॉर्मूला में जो है क्या बता रहा है, ये व्हाट डज दिस टेल्स, ये फॉर्मूला हमको क्या बता रहा है। तो ये हम फॉर्मूला हमको बता रहा है ये जो फ्लक्स जो है वह किस किस पे डिपेंड करता है, वह मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, वह एरिया पे डिपेंड करता है, और फिर वह थीटा पे डिपेंड करता है। सो दिस इज़ हाउ वी मस्ट एनालाइज, कि ये जो है फॉर्मूला, हर एक फॉर्मूला को हमको ये एनालिसिस कैसे करना है, उस पर हमने स्ट्रेस दिया है कि फॉर्मूला को किस तरह से हम लोग एनालिसिस करना है। ऐसे सॉल्व कर देने का तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप ऐसे भी सॉल्व कर देते, यू कैन सॉल्व इट, बट व्हाट डज दिस फॉर्मूला स्पीक्स, दैट इज़ द मेन पॉइंट। दैट मीन्स योर फ्लक्स डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड, एरिया एंड थीटा, दैट इज़ द एंगल। And now, whenever there is change in magnetic flux, whenever there is change in magnetic, induced EMF is produced. So, if this flux is constant, if your flux is constant, then your induced EMF will be zero. And the motive of this, that no electromotive force is produced. That means induced EMF is zero. So, induced EMF is zero. That means there is no change in flux. So when there is no change in flux, तो अब हमको ये analysis करना पड़ेगा कि flux कब change नहीं होता, when, कब आपका flux change नहीं होता है, मतलब कि आपका flux मान लीजिए zero, कब flux आपका zero होता है, या तो कब flux आपका constant रहता है। मेरा main objective तो यही हो गया ना, when phi is constant, then your induced EMF is zero because we require the electromotive force. तो हमारा ये उद्देश्य क्या है, हमारा aim क्या है कि flux constant कब होगा, और फिर या तो flux zero कब होगा, तब ना हमको induced EMF zero मिलेगा। तो फिर हम flux में जाएंगे, तो flux किस किस पे depend करता है, तो flux जो है ये magnetic field पे depend करता है, area पे depend करता है, और क्या आपको theta पे depend करता है। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट करते हैं तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर एरिया आपका चेंज हो रहा है, एरिया आपका चेंज हो रहा है, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक फ्लक्स कांस्टेंट और टू मेक फ्लक्स जीरो, क्योंकि आपको बोल दिया गया है सर एक्सपेंस रेडियली,
मतलब रेडियली उसका रेडियस बढ़ता जाता है, एक्सपांस रेडियली, लाइक दिस एक्सपांस इट्स रेडियली, वो बढ़ता जा रहा है एक्सपांस रेडियली। तो एरिया का चेंज जब हो रहा है, सो इवन इफ योर मैग्नेटिक फील्ड इज कॉन्स्टेंट, सो दिस इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड फाई इज जीरो और फाई इज कॉन्स्टेंट, बिकॉज यू विल गेट फाई बिकॉज देर इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन एरिया। इवन इफ योर बी इज कॉन्स्टेंट, देर विल बी अ चेंज इन फाई। सो हियर बी कॉन्स्टेंट होने पर फाई जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको बोला जा रहा है कि आपका एरिया चेंज हो रहा है। अगर एरिया कॉन्स्टेंट होता, बी कॉन्स्टेंट होता, तब हम कह सकते हैं कि ये कॉन्स्टेंट हो गया। कॉन्स्टेंट होने के कारण हमारा क्या हो गया, फाई कॉन्स्टेंट हो जाने पर उसको डिफ्रेंशिएट करने पर कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है, तो ये कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर बी कॉन्स्टेंट होने पर भी एरिया चूँकि चेंज हो रहा है, तो एरिया कॉइल का एरिया चेंज हो रहा है, तो एरिया कॉइल चेंज होने के कारण आपका ये फ्लक्स कॉन्स्टेंट नहीं रह सकता है। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। दूसरा कारण क्या हो सकता है, थीटा। अगर आपका प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड अगर सेम डायरेक्शन, सेम प्लेन में है, डायरेक्शन ही सेम प्लेन, आपका मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल जो है अगर सेम प्लेन में है, तो कॉइल का डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो आपका एंगल कितना 90 डिग्री आएगा, तो आपका फ्लक्स जीरो हो जाएगा। सो दिस मे बी पॉसिबल, ये आपका ये पॉसिबल है। और दूसरा है क्या, अगर BA को कांस्टेंट रखना है, इफ़ यू वांट टू कीप BA कांस्टेंट, अगर आपको BA को कांस्टेंट रखना है, तो मतलब कि क्या होगा, अगर आपका B घट रहा है तो प्रोपोर्शनली एरिया भी आपको बढ़ना पड़ेगा। अगर B घट रहा है तो एरिया भी प्रोपोर्शनली बढ़ना पड़ेगा। या आपका और दिस में भी कि अगर B बढ़ रहा है तो एरिया भी प्रोपोर्शनली घटेगा, तो आपका फाई कांस्टेंट रहेगा, तब आपका फाई प्रोपोर्शनली, तभी फाई ये BA आपका प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट है ना, तो ये कांस्टेंट रहेगा, तभी ये पॉसिबल। मतलब कैसा, अगर हम मैथमेटिकली देखें तो 6 इज इक्वल टू 2 × 3, तो और 6 इज इक्वल टू 3 × 2, तो मतलब कि अगर ये घट रहा है तो ये बढ़ना पड़ेगा, ये बढ़ रहा है तो ये घटना पड़ेगा, इस तरह का है। तो अब हम ये बैक टू द क्वेश्चन जाते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हम लोग फॉर्मूला को यूं ही याद कर लेते हैं, लेकिन इस फॉर्मूला का डेप्थ हम लोग को जानना चाहिए कि फ्लक्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और थीटा पर भी डिपेंड करता है। तो अगर जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स आपका चेंज हो रहा है, तब तक आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा। तो हमारा चूँकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होना है, तो इसलिए हमको फाई कांस्टेंट होना पड़ेगा या तो फाई जीरो होना पड़ेगा। तो द पॉसिबिलिटी ऑफ फाई टू बी जीरो इज दैट इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द प्लेन ऑफ द कॉयल आर इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में है, तो एरिया वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री होगा, तो कॉस 90 जीरो हो जाएगा, तो कॉस 90 जीरो होने पर आपका फ्लक्स जीरो हो जाएगा। सो देयर विल नो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये एक कारण हो सकता है। और दूसरा है कि हमको BA को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो BA कांस्टेंट रखने पर अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनली घट रहा है, तो आपका एरिया भी प्रोपोर्शनली बढ़ना पड़ेगा, तब अगर होगा तो देन योर BA विल बी कांस्टेंट रहेगा, प्रोपोर्शनली बढ़ना और घटना रहना पड़ेगा, तो आपका BA कांस्टेंट होगा। और व्हेन दिस BA इज कांस्टेंट, देन योर चेंज इन फ्लक्स विल बी, डिफरेंशिएशन ऑफ चेंज इन फ्लक्स विल बी जीरो। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, ये तो कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि हमने बोल दिया कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होने पर भी एरिया मेरा चेंज हो रहा है ना, तो उसमें फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स आएगा ही, सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। फिर देखिए मैग्नेटिक फील्ड इज़ इन द सेम प्लेन एज द सर्कुलर कॉइल, अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड और सर्कुलर कॉइल सेम प्लेन में है, तो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जीरो होगा,
क्योंकि एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर डायरेक्शन एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड आर 90 डिग्री, तो कॉस 90 जीरो होता है, तो जिसके कारण आपका फ्लक्स जीरो होगा, तो ये पॉसिबल है। फिर दूसरा है कि मैग्नेटिक फील्ड हैज ए परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड कंपोनेंट हुज मैग्नीट्यूड इज डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। मतलब कि आपका एक कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द प्लेन ऑफ द कॉइल है, इसके पर उसके कंपोनेंट है। मतलब मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा, तो इस मैग्नेटिक फील्ड का ये एक कंपोनेंट है जो परपेंडिकुलर है, इसका परपेंडिकुलर, दिस इज बी परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड जो कंपोनेंट है वो अभी डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है, तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है और हमारा एरिया जो है वो बढ़ रहा है, अगर यूनिफॉर्मली प्रोपोर्शनली कम और घट रहा है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो फाई कांस्टेंट होगा, तो फाई जब कांस्टेंट होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी आपका कांस्टेंट होगा। सो दिस इज द पॉसिबल, दिस टू आर द पॉसिबल आंसर। तो मेरा मतलब कि ये बी एंड सी, ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो ये देखिए क्वेश्चन तो है बहुत ईजी, लेकिन हमने क्यों लिया, हमने इसलिए लिया कि ये बेस कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला को भी हमें इसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। फॉर्मूला किस किस पे डिपेंड होता है एंड व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़ दैट योर फाइव विल बी जीरो और फाइव विल बी कांस्टेंट, इस तरह का भी एनालिसिस आपको अपने आप करना चाहिए, तभी आप मतलब कि ये कोई भी कंपटीशन में आप मतलब कि किसी भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर दीजिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिगर शोज द वायर स्लाइडिंग ऑन टू पैरेलल कंडक्टिंग रेल्स प्लेस्ड एट ए सेपरेशन एल। अ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रेल्स। मतलब कि ये है परपेंडिकुलर, मतलब ऐसा, मतलब अगर आपका रेल इस तरह से ऐसे सीधा है तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ जा रहा है, क्रॉस ऐसा है, और उसके ऊपर आपका ये एक ऐसा ये रेल है, ये मूव करेगा आगे, और ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द वायर मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी में इसको मूव करवाना है, तो कितना फोर्स लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपने ये पढ़ा है चैप्टर में, ऐसा आपका एक यू ये कॉइल था और इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड में है, एंड ये मैग्नेटिक फील्ड में है और यहाँ पर एक अनदर कंडक्टर था, तो ये इस तरह वी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, वी वेलोसिटी, ये आपके थ्योरी में आपने पढ़ा है, आपके बुक में देखिए कि ये जो है कंडक्टर ये वी वेलोसिटी से इधर इस तरफ की ओर जा रहा है, तो इस तरफ की ओर जा रहा है, तो चूंकि ये ऐसा मूव कर रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रहा है, चूंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रहा है तो यहाँ पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, किस इस रॉड पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, इस रॉड पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और वो है आपका कितना BLV, दिस इज योर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस किया, ये आपने थ्योरी आपने पढ़ा है कि ऐसा एक कॉइल है, मतलब एक कंडक्टर है इस तरह इस शेप का, इसको ये मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा रखा हुआ है और ये कंडक्टर इस पर रोल कर सकता है और ये इधर वी वेलोसिटी से जब जा रहा है, तो यहाँ पर इसमें एक
इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और वह कितना है, बी एल वी, एल जो है ये लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर, एल जो है ये लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर, लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो ये आपका इलेक्ट्रॉन इस तरफ नीचे की ओर मूव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन चूंकि नीचे की ओर मूव करेगा तो यहाँ पर ये प्लस होगा चार्ज और ये एक माइनस चार्ज होगा और करंट आपका इस तरह से फ्लो करेगा, इंड्यूस्ड करंट। ये आपने थ्योरी में पढ़ा है कि यहाँ पर जैसा मूव करेगा तो यहाँ पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है वह नीचे की तरफ मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ मूव करने के कारण यहाँ पर प्लस पोटेंशियल यहाँ पर माइनस पोटेंशियल डेवलप होगा और जिसके कारण ये मतलब कि इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो इंड्यूस्ड मतलब इलेक्ट्रॉन जो है नीचे इस तरफ मूव करेगा, इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा, करंट इस तरह से फ्लो होगा। ये आपने थ्योरी में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ आप अगर थोड़ा माइन्यूटली इफ़ यू स्टडी दिस माइन्यूटली, हियर यू सी करंट इज फ्लोइंग हियर बिकॉज दिस फॉर्म्स अ क्लोज सर्किट, हियर दिस फॉर्म्स अ क्लोज सर्किट, यहाँ पर एक क्लोज सर्किट बन रहा है, चूँकि क्लोज सर्किट बन रहा है तो इस कारण यहाँ करंट फ्लो हो रहा है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है। अब वही सवाल यहाँ पर है, देखिए तो इसमें इसलिए आपका फोर्स जो होगा इस कंडक्टर में जो फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू I आपका L वेक्टर क्रॉस B होता है, ये आपका फोर्स यहाँ पर जो लगेगा I L क्रॉस B होता है, ये आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चूंकि मूव करने पर तो यहाँ पर इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस तो होगा, नो डाउट इंड्यूस्ड EMF तो यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, लेकिन ये क्या हो गया, ये तो एक ओपन सर्किट है ना, यहाँ देखिए ओपन सर्किट है, दिस इज एन ओपन सर्किट, ये हो गया ओपन सर्किट, यहाँ पर ये क्या है, दिस इज अ क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट, बट दिस इज एन ओपन सर्किट, चूंकि ये ओपन सर्किट है तो यहाँ कहाँ करंट फ्लो होगा, देयर विल नो फ्लो ऑफ द करंट। तो यहाँ पर चूंकि करंट फ्लो ही आपका जीरो है, इंड्यूस्ड ईएमएफ तो प्रोड्यूस होगा लेकिन ये ओपन सर्किट है तो यहाँ पर करंट चूंकि फ्लो ही नहीं होगा, तो सो हियर योर एफ दैट इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, सिंस योर आई इज जीरो, दिस इज जीरो, सो देयर इज नो फोर्स, नो फोर्स, दैट मीन्स योर फोर्स इज जीरो, सो आपका ये ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए ये कॉन्सेप्चुअल है, देखिए तो ये आपको यहाँ इसलिए हमने इस तरह का क्वेश्चन सिलेक्ट किया है, छोटा छोटा है लेकिन बेसिक है। सो हियर यू सी दिस इज अ क्लोज लूप, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस, सो इफ देयर इज अ क्लोज लूप सो करंट विल फ्लो थ्रू इट, बट हियर दिस इज एन ओपन लूप सो देयर विल नो फ्लो ऑफ द करंट, एंड एज देयर इज नो फ्लो ऑफ द करंट सो नो फोर्स विल बी एक्टिंग हियर एंड no force will be acting here, so your force will be zero, ठीक है। ये कुछ इस तरह का है, अगर आप काइनेमेटिक्स में, वैसा तो है नहीं लेकिन उस तरह का ही जैसा है काइनेमेटिक्स में, जैसे आपने पढ़ा है अगर कांस्टेंट वेलोसिटी काइनेमेटिक्स में आपने जैसा पढ़ा, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है तो नेट फोर्स जीरो होता है, लेकिन वो उस तरह का नहीं है, लेकिन हम कहना चाहते हैं काइनेमेटिक्स के साथ हमने इसको जस्ट कंपेयर किया है कि अगर आपका कांस्टेंट वेलोसिटी होता है तो नेट फोर्स जीरो है, लेकिन है वैसा नहीं, जस्ट आई एम कंपेयरिंग इट। यहाँ पर ये ओपन सर्किट होने के कारण यहाँ पर करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसके कारण आपका फोर्स यहाँ पर क्या है, फोर्स आपका जीरो होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि ए मेटल रॉड मेक्स कॉन्टैक्ट विथ पार्शियल सर्किट एंड कंप्लीट द सर्किट, इसको ये मेटल रॉड कंप्लीट कर दिया है और मैग्नेटिक फील्ड आपको दे दिया है 0.15 टेस्ला, और इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द टोटल सर्किट 3 ओम दे दिया है, द फोर्स नीडेड टू मूव द रॉड एज इंडिकेटेड विद कांस्टेंट स्पीड विल बी इक्वल टू। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तो
क्लियर कट बात है कि यहाँ पर आपको क्लोज सर्किट है, और चूंकि यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा, क्योंकि जैसे ये रॉड मूव करेगा, मेटल रॉड मूव करेगा, तो देयर विल बी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। और जब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ इस रॉड में मिलेगा एज पर द थ्योरी गिवन टू यू। तो यहाँ पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ तो डेवलप्ड होगा ही, तो उसका फॉर्मूला क्या है, यही हम E=BLV। तो B आपको दिया हुआ 0.15 दिया है, लेंथ आपको 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब 50/100, वेलोसिटी आपको 2 दिया हुआ है, तो ये कट गया। तो यहाँ पर 2.5 कट गया, तो दैट मीन्स 0.15 इंड्यूस्ड ईएमएफ है, मतलब इतना वोल्ट प्रोड्यूस हुआ। तो फिर नॉर्मल फॉर्मूला E=IR, तो करंट हमको चाहिए, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.15, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 3, तो E=I। तो यहाँ पर ये हो गया 3, ये हो गया आपका 5/10, 2 मीटर, 0.0 कट गया, हाँ ठीक है 0.15, तो ई हो गया, हाँ ठीक है, तो ठीक है ये हमारा कितना आएगा, ये आएगा 0.05 एम्पियर, ये मेरा करंट आएगा। देखिए ये करंट आ गया, हमको क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। तो फोर्स क्या है, F=IL/B, सो I हमको पता है 0.05 है, लेंथ हमको पता है 50/100, मैग्नेटिक फील्ड 0.15। तो इसको सॉल्व करने पर हमको कितना आएगा, ये हो गया 0.05 × 5, इसको हम ऐसा कर देते हैं 0.05 × 0.5 × 0.15, तो जीरो ये 5 करते हैं तो 5×5=25, 3 ये हो गया हमारा, तो ये हो गया हमारा 0.025 × 0.15। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर मेरा कितना आएगा, 5×25 = 0.025, 0.15, 5×25 = 5, 5×25 = 5, 2×10 = 11, 12, 1×5 = 5, 1×2 = 2, तो आपको आ रहा है 5, 6, 7, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो आपको आ रहा है इतना 0.00375 न्यूटन भी आ रहा है, या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, या 3.75 × 10³⁻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 ³
क्वेश्चन ही है, क्योंकि ये सर्किट कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, तो करंट ऐसे फ्लो होगा, तो यहाँ से हमको यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा, इतना फोर्स हमको अप्लाई करना पड़ेगा टू कीप इट एट कॉन्स्टेंट स्पीड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स स्क्वायर लूप ए बी सी डी इज मूविंग इन इट्स ओन प्लेन विथ वेलोसिटी वी इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एज सोन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस तरह है आउट ऑफ द पेपर और ये स्क्वायर लूप इस तरह से मूव कर रहा है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड। यहाँ पर हमको देखना क्या है कि अगर देखिए ए डी और बी सी जब ये मूव करेगा, वेन ए डी एंड बी सी मूव, सपोज यहाँ से यहाँ आया, यहाँ आ गया, ये मूव किया यहाँ से,
अगर मूव करेगा तो आप देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। जैसे जैसे ये मूव करेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका चेंज होता रहेगा। तो ये मूव करने पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, लेकिन यहाँ देखिए ये अगर मूव कर देगा ए बी और डी सी मूव कर रहा है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चेंज नहीं आता एरिया में, देयर इज नो चेंज इन एरिया। द चेंज इन एरिया इज बिकॉज ऑफ ए डी एंड बी सी, दिस चेंज इन एरिया। सो द चेंज इन एरिया इज बिकॉज ऑफ दिस ए डी एंड बी सी, नॉट बिकॉज ऑफ ए डी एंड, चेंज इन एरिया इज बिकॉज ऑफ ए डी एंड बी सी बट नॉट बिकॉज ऑफ ए बी एंड डी सी। ए बी और डी सी के कारण यहाँ पर चेंज इन एरिया नहीं हो रहा है, देखिए इसके कारण आपका एरिया चेंज होते जा रहा है। कहाँ पर? इन द मैग्नेटिक फील्ड। इसके और इसके कारण चेंज इन एरिया हो रहा है कहाँ पे? इन द मैग्नेटिक फील्ड। ये ए बी और डी सी के कारण यहाँ पर चेंज इन एरिया इन मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ए डी एंड बी डी, इसके कारण चेंज इन एरिया हो रहा है कहाँ पर? इन मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारा क्या होगा कि ये जो पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस किसके कारण? ये इन बोथ ए डी एंड बी सी के कारण। ये सब कॉन्सेप्शनल है कि देखिए यहाँ पर कि ए डी और बी सी के कारण एरिया चेंज हो रहा है कहाँ पर? इन द मैग्नेटिक फील्ड। इसके कारण ए बी और डी सी के कारण कोई आपका एरिया चेंज नहीं हो रहा है इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारा आंसर क्या होगा? ये आंसर होगा बोथ ए डी एंड बी सी। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड induced induced current, what is the direction of induced current in the metal rings when current I in the wire is increasing steadily। देखिए हमने दो केस लिया है और जानबूझ के लिया है दो केस, एक चीज़ आपको समझाने के लिए। यहाँ पर देखिए ये है करंट पास कर रहा है, तो चूंकि हमने आपको पढ़ा है, आप क्या पढ़ा है कि ये करंट ऐसा पास हो रहा है, तो जैसे ये करंट यहाँ पास हो रहा है कोई वायर से, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका इस तरह ही है परपेंडिकुलर टू दिस वायर। मैग्नेटिक फील्ड जो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होता है परपेंडिकुलर टू दिस कंडक्टिंग वायर। सो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस होगा? परपेंडिकुलर टू दिस, ये देखिए इसके परपेंडिकुलर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो क्या कहाँ पर बन रहा है? मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन द सेम प्लेन विद द कॉइल। कॉइल जिस प्लेन पे है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वह सेम प्लेन में प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पर केस क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड एंड द कॉइल आर इन द सेम प्लेन। देखिए सेम प्लेन, यहां पर देखिए द मैग्नेटिक फील्ड एंड द प्लेन ऑफ द कॉइल, प्लेन ऑफ द कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड एंड द प्लेन ऑफ द कॉइल आर इन द सेम प्लेन। यह आपने पहले भी पढ़ चुका है कि जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर करंट फ्लो कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल परपेंडिकुलर टू दिस करंट कैरिंग वायर के परपेंडिकुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ भी इस तरह का है, ये प्लेन आपका ये ऐसा प्लेन है और आपका करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, ये प्लेन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इस प्लेन पे ही सेम प्लेन में प्रोड्यूस होगा। तो चूंकि और यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, एक ही बात है, ये देखिए ऐसा
यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ये तो डायरेक्शन हम थंब रूल से निकालेंगे और दूसरी बात है, यहाँ भी हम डायरेक्शन थंब रूल से निकाल देंगे और दूसरी बात है, उस पर हम कंसंट्रेट नहीं करें। लेकिन यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वह मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, प्लेन ऑफ द रिंग। देखिए मेरा ऑब्जेक्टिव जो है ना यहाँ पर ये बात समझाने के लिए क्या है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कैसा होगा। ये क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट जो है वह जब भी होता है जो ये लेंजेस लॉ के कारण जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है। ये याद रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, ये दूसरी बात है। और यहाँ पर भी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हम थंब रूल से निकाल सकते हैं, हम इस पर कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं। हम एक्चुअली कंसंट्रेट कर रहे हैं किस बात पर कि यहाँ पर देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये प्रोड्यूस होगा इन द सेम प्लेन, कॉइल के सेम प्लेन में प्रोड्यूस होगा, लेकिन यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर जो है ये इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर क्या होगा, देयर विल बी इंड्यूस्ड करंट, यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट विल बी प्रोड्यूस्ड, करंट विल बी प्रोड्यूस्ड, यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट विल बी प्रोड्यूस्ड, बट हियर यहाँ पर इंड्यूस करंट विल बी प्रोड्यूस, बट हियर देयर इज नो इंड्यूस्ड करंट, नो इंड्यूस्ड करंट, नो इंड्यूस्ड करंट, लेकिन यहाँ पर कोई इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्लेन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री हो रहा है, क्योंकि ये जो प्लेन ऑफ द कॉइल बी और एरिया वेक्टर के बीच में ये परपेंडिकुलर हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होने के कारण आपका थीटा 90 डिग्री होने के कारण यहाँ पर नो चेंज इन फ्लक्स, आपका फ्लक्स जीरो दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पर चूँकि आपका ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है और एरिया वेक्टर जो है वह या तो ये दोनों एरिया वेक्टर, ये रिंग का एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक सेम डायरेक्शन हो सकता है या आपको ऑपोजिट डायरेक्शन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और यहाँ पर करंट जो फ्लो है वह आपको नॉर्मल है, आप याद रखिएगा करंट के डायरेक्शन इस तरह है, तो जो इंड्यूस करंट होगा ऑलवेज ऑपोजिट टू द मेन करंट बिकॉज ये लेंजेस लॉ के अनुसार है, तो यहाँ पर करंट जो है इस तरह से प्रोड्यूस होगा। तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये आपका क्लॉकवाइज होगा, वह दूसरी बात है, लेकिन मेरा मेन पॉइंट है इस चीज़ में हमने स्ट्रेस दिया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे।